Hello, my army. So I know JEE Main 21 ka third and fourth attempt ab kuch din hi dur hai. This news has been shocking, but whatever has been announced has been announced. इस वक्त अब मेरा फोकस रहना चाहिए कि मैं अगले 10-12 दिन को कैसे मैक्सिमाइज करूं. सिंपल सा फंडा, जो चीज़ आपको आती है आप उसी को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एंड आपका साइजेबल चंक ऑफ टाइम इन अ डे शुड गो टू क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी. तो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूलाज हैं उनको क्विकली से रिवाइज करके अपने आप को एक प्रेशराइज टाइम्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि एक घंटे में टारगेट देते हुए कि मैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, दैट शुड बी द टारगेट. फोकसिंग ऑन द चैप्टर्स जो तुम्हें आते हैं तो उन्हीं को स्ट्रेंथन करने का ये टाइम है. इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, मतलब कि चैप्टर वाइज ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एज पर NTA. तो उस कन्वीनियंस के लिए ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं. इसकी PDF भी लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में. नाउ सबसे पहले यहाँ पर क्या करने की कोशिश की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ 2018 से लेके 2021 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं, हर चैप्टर में कितने पेपर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं. दिस गिव्स अस एन आइडिया कि यार NTA किन चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए आ रहा है. तो दिस हेल्प्स यू कि हाँ अच्छा इन चैप्टर्स को मुझे प्रायोरिटी पे रखना है. तो डेफिनेटली आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं. इसके अलावा सपोज नाउ आई एम डूइंग मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो ये आपके लिए एक तरीके की चेकलिस्ट है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इनमें से मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं करने. फिर से बोल रही हूँ, इन टॉपिक्स को देने का मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा आप बाकी चैप्टर नहीं करोगे, नहीं. इनका मतलब है कि ये एक आपके लिए चेकलिस्ट है कि अच्छा अगर मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स किया है तो इन टॉपिक्स को 100% कर लिया है, राइट. सिमिलर एक्सरसाइज हैज़ बीन डन फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है. तो यहाँ पर जैसे कि केमिस्ट्री के आपके 21 अटेम्प्ट के फेब्रवरी एंड मार्च में किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं, ऑल दैट हैज़ बीन मैंशनड. एंड इसके बाद चैप्टर, हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हैं इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड सिमिलर काम आपके फिजिक्स के लिए भी हुआ है. इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बच्चों कि इस वक्त तुम्हारे लिए साथ साथ खुद को मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. एंड जब मैं यहाँ पर एक क्विक रिविजन की बात करती हूँ तो देयर इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग रिसोर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड JEE मेंस 21 बिगेस्ट फ्री रिविजन रिसोर्स, जिसके अंदर आपके यूनिट वाइज, उसके बाद हर चैप्टर के, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हो, NTA अभ्यास के सवाल, सेंगेज बुक के क्वेश्चंस, सो इस तरीके के बेसिकली चुने हुए क्वेश्चंस हर चैप्टर में से, ऐसे 50 से 60 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से एज पर द नीड ऑफ द चैप्टर, कि यार जो सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप हैं, आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो. दीज ऑल टॉपिक्स यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड द वीडियो बिगिंस. तो आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो. एंड रिमेंबर हर वीडियो के नीचे उसकी PDF है. हमेशा से जो आपके रिटन अपने नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन अगर आपने ये नहीं काम किया तो हर वीडियो के नीचे मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो हर चैप्टर को आपके 3 से 4 पेज के अंदर समराइज करके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं. तो इसी क्विक रिविजन की हमें ज़रूरत है, बट द फोकस हैज़ टू बी ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट. तो जाओ जाकर पढ़ो. इसके साथ साथ रात को 9 बजे आप लोगों के लिए फास्ट ट्रैक रिविजन की भी वीडियोस हमने स्टार्ट कर दी हैं. आई एम मीटिंग यू गाइज लाइव एट 9 PM एवरी डे, सो मेक श्योर कि आप वहां से भी रिविजन कर सकते हो. अभी के लिए ये PDF प्लस यहां पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज की PDF आपके साथ शेयर कर दी गई है. सो कंटिन्यू वर्किंग हार्ड. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. बाय बाय.